हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। अतिथि शिक्षकों को आवेदन किस तरीके से भरना और आवेदन कहां पर मिलेंगे और कौन कौन से दस्तावेज अतिथि शिक्षकों को लगाने पड़ेंगे, जिसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी मैं देने वाला हूँ। वो PDF भी उपलब्ध करा दूंगा अतिथि शिक्षक अगर कहेंगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसके संबंध में विस्तार से वो जानकारी देने वाला हूँ। इसमें आपको कार्यालय प्राचार्य प्राथमिक शाला या हाई स्कूल या माध्यमिक शाला या प्राथमिक शाला, इधर पर नाम लिखना पड़ेगा जिस शाला के लिए आवेदन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बोला गया अतिथि शिक्षक पद हेतु आवेदन पत्र पावती जब आप जमा करोगे तो पावती प्राप्त की जाएगी स्कूल के द्वारा। इसमें अतिथि शिक्षक वर्ग 1 या 2 या 3 जिसके लिए कर रहे हो वो लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर विषय का नाम लिखना पड़ेगा जिस विषय के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इधर नाम लिखना, इधर पिता का नाम लिखना पड़ेगा, और दस्तावेज पत्र निम्नलिखित दस्तावेज सहित प्राप्त करें, ये सभी दस्तावेज भेजना। इसमें हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची, हाई सेकेंडरी परीक्षा की अंक सूची रहेगी, और BA BSc परीक्षा की अंक सूची, MA या MSc परीक्षा की अंक सूची, या BA DEd परीक्षा की अंक सूची, स्कोर कार्ड और शपथ पत्र यहाँ पर हस्ताक्षर करने होंगे। ठीक है, ये सभी दस्तावेज आपको लगाने पड़ेंगे, और यह फॉर्म जो भरना है उसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें अतिथि शिक्षक पद हेतु नवीन आवेदन, ये आपको पत्र आवेदन भरना पड़ेगा, जैसे विद्यालय का नाम यहाँ पर दिनांक डालना पड़ेगी, यहाँ पर फोटो लगाना पड़ेगी, यहाँ आवेदक का नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि शब्दों में अंकों में, और यहाँ अपना पता लिखना पड़ेगा, पत्र व्यवहार का पता, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ आधार नंबर, यहाँ आवेदक का खाता नंबर डालना पड़ेगा, बैंक का नाम डालना पड़ेगा, यहाँ शैक्षणिक योग्यता लिखना पड़ेगी, यहाँ पे स्कोर कार्ड का योग लिखना पड़ेगा, यहाँ हाई स्कूल परीक्षा प्राप्तांक और पूर्णांक प्रतिशत लिखना पड़ेगा, यहाँ BSc या BA परीक्षा पूर्णांक प्रतिशत लिखना पड़ेगा, यहाँ BEd और DEd परीक्षा प्राप्तांक और पूर्णांक एवं प्रतिशत लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे वर्ग लिखना पड़ेगा जिन वर्ग और विषय के लिए आवेदन किया जा रहा है वो लिखना पड़ेगा, यहाँ वर्ग और विषय लिखना पड़ेगा, यहाँ दस्तावेज सम्मिलित करना पड़ेंगे। इसमें जो दस्तावेज है उसमें हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची, हाई सेकेंडरी की परीक्षा की अंक सूची, BA BSc परीक्षा की अंक सूची, MA MSc परीक्षा की अंक सूची, DEd BEd परीक्षा की अंक सूची, और स्कोर कार्ड और शपथ प्रमाण पत्र, यहाँ आवेदक के हस्ताक्षर होंगे और आपका नाम लिखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी दस्तावेज लगा के आपको जमा करना, और ये स्वयं घोषणा आपको स्वयं द्वारा घोषित करना है, घोषणा में लिखना है, इसमें अपना नाम लिखना है, पिता का नाम, उम्र और निवास स्थान जहाँ पे भी हो, उसमें बोला गया शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि 1 मेरे विरुद्ध कोई भी लैंगिक अपराधों के बालक का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अधीन कोई मामला पंजीकृत अथवा प्रचलित में नहीं है। 2 किसी न्यायालय द्वारा मुझे आपराधिक प्रकरण से दंडित नहीं किया गया, ना ही कोई प्रकरण माननीय न्यायालय से विचाराधीन है। ये सब आपको शपथ पत्र में लिखना पड़ेगा और हस्ताक्षर करना पड़ेंगे और नाम लिखना पड़ेगा और दिनांक और डेट डालना पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपको जमा करना पड़ेगा नियुक्ति के लिए, और अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंटमेंट में बोलो तो मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूँगा। धन्यवाद।